हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। आज मैं डेली जो स्किन केयर रूटीन है आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और मेरा फेस इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी मैं बहुत सारा काम की हूँ घर में और इसलिए स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो इस वजह से मेरा फेस ऐसा डल वगैरह सा लग रहा है, डल डल सा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं स्किन केयर कर ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और मैं इस रेनी सीजन में इसी तरह का डेली स्किन केयर रूटीन मैं करती हूँ, डेली यूज़ में, डे टाइम में। एक्चुअली मैं रात में अलग चीज़ें यूज़ करती हूँ, डे में अलग चीज़ें यूज़ करती हूँ, और सभी लोग यही करते हैं क्योंकि नाइट टाइम में नाइट क्रीम यूज़ होती है। और शायद फेस वॉश भी मैं चेंज कर देती हूँ, नाइट में अलग ही लगाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा डल सा लग रहा है और एकदम, मतलब सुबह मैंने शावर लिया था लेकिन फिर मुझे बहुत सारा काम था तो मैं वही काम ख़त्म करके बस अभी जस्ट बैठी हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ये वीडियो। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। और शेयर जरूर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप न्यू व्यूअर्स हैं मेरे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा। जैसे ही हिट करेंगे आप तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेती हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना फेस को वॉश करूँगी और मैं डम डॉग के फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करने वाली हूँ। और इसका मुझे रिव्यू करना है इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ कुछ दिन से, एक डेढ़ हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा ये। और ये है सैलिसिलिक एसिड का है ये, और इससे आपके एक्ने, मतलब अगर आपके एक्ने हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, तो उनको प्रिवेंट करता है, उनको आपको डल होने से, आपके फेस को डल होने से बचाता है। बहुत अच्छा है ये फेस वॉश, तो इसीलिए मैं ये वाला फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को वेट कर लूँगी और इसमें मैं वाटर भर ली हूँ, नॉर्मल जो वाटर आता है वो है इसमें। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपने फेस को वेट। तो फ्रेंड्स, मैंने वेट कर लिया है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। अभी ज़्यादा वाटर नहीं लगा है इसलिए ये ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको कि लेदर कर रहा है, लेकिन ये लेदर अच्छे से करता है और अच्छे से क्लीन भी कर देता है आपके फेस को। तो मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है और अच्छे से फेस वॉश कर लिया है मैंने, और मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। और मैं इसको ड्राई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने फेस पर अब अप्लाई करूँगी, ऐसे ही वेट फेस पर ही अप्लाई करना है मुझे इसलिए। तो मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का, ये है ग्रीन टी फेस मास्क है, ये स्क्रब है, ये फेस स्क्रब है, तो ये बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो जाती है इससे और बहुत ही अच्छे से ब्लेमिशेस कंट्रोल करता है स्क्रब इसका, ये स्क्रब। तो चलिए इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं, और इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छा है, और इसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है, सेपरेट रिव्यू है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। मुझे ऐसे कुछ इतने ज़्यादा नहीं है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, लेकिन जो मैंने अभी काम बहुत सारा कर लिया है तो ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर तक गई होगी तो वो रिमूव हो जाएगी इससे। वो
बहुत ही हल्के हाथ से आपको जेंटली रहना है, ज्यादा हार्श नहीं होना है, हल्के हल्के हाथों से ही करना है आपको स्क्रबिंग। मैं डेली यूज में ये सब चीजें यूज नहीं करती हूँ, स्क्रबिंग नहीं करती और मास्क वगैरह भी नहीं लगाती हूँ। ये तो मैं 2-3 दिन में या 1 वीक में ही अप्लाई करती हूँ स्क्रब, क्योंकि मुझे इतने ब्लैक हेड्स नहीं हैं, इस वजह से बहुत ही कम होते हैं मुझे, क्योंकि मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। तो मैं वॉश करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैंने वॉश कर लिया है स्क्रबिंग करके, और अब मैं कर रही हूँ अपने फेस पर लगा रही हूँ पैक। तो आप देख लीजिए मेरा क्लीन हो गया है फेस एकदम, स्क्रबिंग भी कर ली मैंने और मैंने फेस वॉश भी कर लिया है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा फेस एकदम क्लीन है, और अब मैं लगा रही हूँ ये फेस पैक है गुड वाइब्स का, और गुड वाइब्स का मैंने स्क्रब भी यूज़ किया था, और ये है पपाया ग्लो पैक फेस पैक है। ये बहुत ही अच्छा पैक है, ये मुझे बहुत पसंद आया। इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है रिव्यू इसका, तो आप देख सकते हो। तो मैं अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लूँगी, उसके बाद मैं ये पैक यूज़ करती हूँ। और ये बिल्कुल मिट्टी की तरह दिखता है इस तरह से। इसको आप 20 मिनट्स या 15 मिनट्स आप रख सकते हो, जल्दी ये ड्राई हो जाता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे इसको जब ये ड्राई हो जाएगा, तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 20 मिनट अपने पैक को इसको लगा लिया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो मैं वॉश कर लेती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, ये वॉश कर लूँ मैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि ग्लो कितना अच्छे से आ गया है। फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपना फेस। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, और आप ग्लो भी देख पा रहे होंगे कि मेरी स्किन कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है। और मैं अपने फेस को वेट कर ले रही हूँ, सॉरी ड्राई कर ले रही हूँ। तो इसके बाद मैं क्या लगाने वाली हूँ, मैं लगाने वाली हूँ एक सीरम लगाऊंगी मैं। तो ये है हाइरोलिक एसिड वाला सीरम और ये NYV का है, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल वाटरी फॉर्म होता है इसका, तो ये मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने डे में। बस 2 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही एडजस्ट छोड़ दूंगी मैं। ये देखिए, टू मिनट्स के लिए आप ऐसे ही मसाज करते रहिए इस तरह से। मेरा यही डेली टाइम रूटीन होता है, मैं हमेशा स्किन केयर इस तरह के इसी तरह से ही करती हूँ डेली में, और बस पैक नहीं लगाती हूँ और अपने फेस पर स्क्रबिंग नहीं करती हूँ डेली। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अप्लाई कर लिया है हाइलुरोनिक एसिड सीरम, और अब मैं लगाने जा रही हूँ ये जेल है, ये है एल्फ्स गुडनेस का एलोवेरा जेल, और ये मॉइस्चराइजिंग जेल है। तो मैं डे में हमेशा इसी तरह से ही ये सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि मैं क्रीम वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसको भी मैं
दो मिनट के लिए मसाज करूंगी, फिर उसके बाद ऐसे ही छोड़ दूंगी। और रेस्ट इट इतना ही है मेरा डेली स्किन केयर रूटीन। और मैं लगा रही हूँ मेबलिन का बेबी लिप बाम, और ये है, ये लिप बाम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस इतना ही लगाती हूँ मैं डेली में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और बस इतना ही करूँगी मैं डेली में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप लोग लाइक करते हो। तो देखिए, टिंटेड अगर लिप बाम हम लगा लेते हैं डे यूज़ में या नाइट में, तो आपकी स्किन मतलब अच्छी भी लगने लगती है और आपका फेस भी एकदम खिल सा जाता है, मतलब अच्छा लगने लग जाता है। तो मैं बहुत पास से ही वीडियो बनाती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है, ये जो भी मैं करती हूँ ये सब बहुत अच्छा है। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से कौन से अच्छे लगे, कौन से प्रोडक्ट ख़राब लगे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही आप हिट करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा न्यू वीडियो का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ज़रूर ये मैंने जितने ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्रोडक्ट आपको भी यूज़ करने हैं, यही चीज़ें आपको डे यूज़ में यूज़ करनी है, नहीं। ये तो मैंने सिर्फ अपना दिखाया है कि मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही थी कि मैं डे यूज़ में क्या क्या अप्लाई करती हूँ, दैट्स इट, इतना ही है। और आप लोगों को जो आपके पास हो, आपके पास जो सूटेबल हो, आपके बजट में जो आए, वो सब यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल।